चलो रुकिए रुकिए ना, मैंने वीडियो मत बनाओ पीछे से, रखिए हाँ जाओ पीछे से मत बनाओ वीडियो, पीछे से मत बनाइए। हाँ हाँ पीछे से कौन सा वीडियो ले रहे मालूम है? ये लुक कौन सा राखी जी? लुकिंग नाइस, लुकिंग नाइस, बड़ा नाइस इंग्लिश, अच्छा जानी है आज आपका लुक बहुत प्यारा लग रहा है राखी जी। अच्छा ये बंगाली लुक है पूरा। चलो आ जाओ, चलिए आ जाओ पीछे आ जाओ, आराम आराम से आना, आराम आराम चलते रहो भाई साहब। तू तू नहीं चल पा रहा अच्छे से, चल अच्छे से चलो, ये दबेगा पाँव। फारूक का देवदास किधर है राखी जी? फारूक का देवदास सहेली गई आते हाँ रात्रि मोरे यहाँ पे हाँ मेरी तो नहीं है। क्यों मेरा मूड अच्छा था खराब कर दिया? हाँ पांडे का काम ही वही है, बहुत ज्यादा मूड खराब कर दिया, बहुत ज्यादा मोबाइल वाले भाई सब पीछे आइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, साथ में आओ फिर गर्मी बहुत हो रही है। पांडे तेरा मोबाइल आ रहा है, बार बार नहीं बोलूंगा पूरा क्रेडिट बस अंपिका को जाता है, बस पूरा क्रेडिट। हाँ बताइए उसने सिलेक्ट किया। अंबिका को बुला लीजिए साथ में, टिश्यू चाहिए, एक टिश्यू बुलाइए अंबिका जी साथ में आइए, एक टिश्यू अंबिका साथ में आओ, साथ में आओ बैठ दो, आओ अंबिका आओ, अंबिका जी आइए सेंटर में, टिश्यू इशू का इशू है। अरे टिश्यू टिश्यू देना टिश्यू, भागने मत देखो पहले भाग गया 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 राखी जी आइए आराम से, कभी मुझे देख के भाग के डर गया, अब पता है ना क्या आदिल ने भेजा था। अरे कहाँ गया बोलता आ जाओ राखी जी, आप इधर देखिए आ रहा है टिशू आ रहा है, हाउ आर यू? अच्छा लग रहा है बंगाली लुक, बहुत ही प्यारा लग रहा है राखी जी, बहुत ही प्यारा। क्या बात है, किसका था ये? अंपिका मेरी फ्रेंड, इधर क्या बात है अंपिका, क्या कहनी चाहोगी? नहीं लुक के बारे में आइडिया था कि मैं एकदम ट्रेडिशनल बंगाली लुक करूं और सब कुछ इन्होंने मुझे सजाया है। यहाँ देखिए अंबिका जी, ये स्टाइलिश। अंबिका जी क्या कहना चाहेंगी इस लुक के बारे में, क्या कहना चाहेंगी? हाँ आओ ना, अरे आओ ना, स्टार बन चुके हो आप, धोखा मत देना, बाकी सही है सारा। अरे नहीं वो नहीं, तो बिल्कुल मुझे एकदम ट्रेडिशनल लुक अंबिका ने दिया है और पायल ने दिया है पूरा, ये क्या कहते हैं पायल इधर बंद, क्या क्या है ये सब मुकुट और बंगाली लुक, हाँ ये बंगाली साड़ी है और ये सब कुछ बंगाली लुक पायल। कितना टाइम लगा आपको रेडी करने में? सिर्फ 2 घंटा सिर्फ 2 घंटा 2 घंटे से रेडी हो रही हूँ, बहुत कम सिंदूर लगाए जा रही है, पता नहीं क्या 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 है ना, पर वो बहुत कॉम्प्लेट किया इन्होंने और बहुत जल्दी से लेकर से होता है। एक्चुअली जो ये गेटअप है वो 4 घंटे का है, हमने 2 घंटे में पूरा किया। राखी जी, राखी जी एक बात और पूछना था, आमी पागल होए जाबो, आमी पागल होए जाबो, बंगाली कौन सा गाना है? यही है गेंडा वाला, यही है गाने का, गेंडा का है, गेंडा तो आके चले गए। राखी जी जी कान हो जाए ना पूरा, अरे अरे पूरा शादी का डिजाइन देखना है ना, बंगाली राउंड धुनी धुनी। राखी जी, राखी जी मैं बोलता हूँ, बोल बोल राखी जी, बैक टू फ्रंट बोल, चल मुझे वो धुनी वाला डांस कर, राखी जी धुनी वाला डांस। हेलो पीछे से आइए, चल के पूरा घूम के साड़ी का पूरा मिल जाएगा अच्छे से, हाँ चल के, ए भाई इधर ही रहना, घूमते हुए पीछे ही बस,
चलो एक मिनट, हाँ घूमते घूमते आइए राउंड का राउंड राउंड करते करते अच्छे लग रहे हो आप उसको। आइए आइए, हाँ ये वाला क्या बात है, क्या बात है, आते रहिए, राखी जी बस बस आ जाइए। अरे वो भी देख रहा है, आपका फैन है, फैन है राखी जी आपका, देख रहे हो गरबा गरबा नहीं क्या, थोड़ा सा गरबा कर हो जाए। अरे अकेले तू भी आ साथ में, अरे वो धोनी का है, अंबिका जी आ जाइए, धोनी चाहिए, ए पूछ हां बोलो ना, ऐसे करते ना, धोनी नहीं है क्या भैया, धोनी तो दो, जाओ जाओ धोनी दो, दो मिनट लेकर आओ ना, दो मिनट, दो मिनट थोड़ा पीछे तो जाओ, चलो भाई पीछे पीछे, ये सिंदूर किसके नाम का है, नाम ही सिंदूर भरा है आपने, आपने लगाया है तो क्या कुछ, किसके नाम का, क्या कुछ है, थोड़ा तो टेढ़ा हो गया, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है मैं कर दूं, आपके मांग में सिंदूर, अरे ये सिंदूर बंगाली लुक के लिए ना के किसी के लिए भरा है, किसी के लिए नहीं भरा है, हमारी मांग सुनी और सुनी है, ये तो सिर्फ अभी तो भरी है, रेखा जी की भी मांग ऐसी भरी रहती है राखी, हाँ कुछ, हाँ अच्छा रेखा जी की पति का है, हाँ तो वही वही पूछे, वही पूछ रहे हैं, कैमरा लुक इधर, रेखा जी की मांग ऐसी भरी रहती है, उनके भी सिंदूर पे कई सवाल किए जाते हैं, लेकिन उनके पति का ठिकाना नहीं है, वैसे मेरी भी मांग भरी हुई है, पति का ठिकाना नहीं है, और मांग है, कभी खाली रखो कभी भर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये एक शोभा के लिए, और मुझे लगता है कि ये चलिए चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं, हाँ दर्शन पहले फोटो फोटो बाद में, आज का पर्दा पर आवाज आ रही है, कैमरा पीछे जाओ, मैं स्पेशली मैं सबको कहना चाहती हूँ कि पुलिस दिन में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो स्पेशली मैं दुआ मांगने आई हूँ कि इज़राइल जो है वो अभी जो वॉर है वो बंद कर दे, और गाज़ा फिलिस्तीन के लोग जो है थोड़े बच जाए, आगे दोबारा हैप्पी दुर्गा पूजा जी, बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रही है, ये मुख के बारे में बताइए किसने जी, बिल्कुल सबको हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी काली पूजा, हैप्पी नवरात्रि, हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हम ये सारे फेस्टिवल हर इंसान मनाता ही है, हम सब यहाँ मिल के रहते हैं, आपने ये लुक इतने अच्छे से कैरी किया है, काफी खूबसूरत, ये इनकी देन है, ये पायल है और अंबिका है, इन्होंने जो है मुझे ये पूरा बंगाली लुक जो है दिया है जी, जब त्यौहार आता है तो अपनों की भी काफी याद आती है, तो जैसे कि हमें पता है माँ अभी हमारे बीच में नहीं रही, उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है, माँ को बहुत शौक था गरबा खेलने का, कितने भी बीमार हो गरबा हमेशा खेलती थी, और मैं बचपन से दांडिया गरबा बहुत खेली, जब भी नवरात्र आता था मैं हमेशा भाग जाती थी, तो उस चक्कर में कितनी बार मेरे बाल भी कटे हैं, यू नो लोगों को पता नहीं है, दांडिया म्यूज़िक शोर शराबा बचपन से बहुत पसंद है मुझे, स्पेशली मेरे डीएनए में है म्यूज़िक, आप अभी गाना शुरू कर दो तो मैं भी डांस करना शुरू कर दूँगी, और आज जो मैंने बंगाली लुक ये लिया है तो वो यहाँ पे पंडित जी भी है, कितनी सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति है, कितनी सुंदर यहाँ पर, और इतना जय जी जी जी, तो एक अलग रूप लिया है मैंने, और ये बंगाली साड़ी, ये बंगाली मांग में सिंदूर, और मांग में सिंदूर रखा है, पति हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बड़े एक लुक जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, कोई पति पाने के लिए मैंने मांग में सिंदूर नहीं लगाया है, ये कल्चर है,
बंगाली लुक है, कल्चर है। बंगाली वुमेन्स इतनी प्रिटी है, इतनी सुंदर है, मतलब हर एक वुमेन जो तैयार होती है ना, वो मुझे माँ दुर्गा जैसी ही लगती है। एंड बहुत खूबसूरत उनके नैन नक्श, बादाम जैसी आँखें, गोल गोल चेहरा, और बहुत सिंदूर में ये 10 दिन यू नो लिपटी हुई बंगाली साड़ी और ये सब पहने हुए, तो इसीलिए मैंने भी यही गेटअप किया है। बिल्कुल, हमारा धर्म जो भी हो, लेकिन हम सब लोग मिलके रहते हैं हिंदुस्तान में। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, जितने भी लोग हैं, तभी तो उसे हिंदुस्तान कहते हैं, यू नो। इसलिए यहाँ पे हर जाति के लोग हैं और हम सब मिलके यहाँ पे रहते हैं। अब जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे नवरात्र होता है, गणपति होता है, माँ दुर्गा का, यू नो, सारे फेस्टिवल रहते हैं, तो हम सब यहाँ पे एकजुट मिलके रहते हैं। जितने हिंदुस्तानी लोग ईद भी मनाते हैं, जब इफ्तारी कराते हैं, जब रोज़ा सब लोग रखते हैं, तो आज मैं भी मुस्लिम हूँ, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि उनके फेस्टिवल में यू नो साथ देना। फेस्टिवल में सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। तो आपने माँ दुर्गा से क्या विश मांगी है और क्या? माँ दुर्गा से मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है। माँ दुर्गा से मैंने यही मांगा है कि गाज़ा की जो लड़ाइयाँ हैं वो बंद हो जाए और इसराइल थोड़ा सा शांत हो जाए। गलत यहाँ कोई भी नहीं है, जो खुदा ने रचा है उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं गाज़ा की शांति के लिए, फिलिस्तीन लोगों के लिए मैं शांति मांगने आई हूँ कि वॉर बंद हो जाए और वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को और भी कंट्रीज़ है वो अडॉप्ट करें। मैं भी एक बच्चा वहाँ से अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैं अकेले हूँ तो एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँ वहाँ से, उसकी परवरिश करूँ, क्योंकि उनके माँ बाप बस मर गए हैं, बच्चे अकेले हो गए हैं। तो अगर देश के सारे मुसलमान, देश के अन्य जाति वाले उनको अगर गोद ले ले या अडॉप्ट कर ले, तो उनको माँ बाप का साया मिल जाएगा। तो मैं भी एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ गाज़ा से। थोड़ा सा पीछे रहिए। बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस होता है खाना में मिठाई। ये थोड़ा दो ना, थोड़ा फैन दो ना मेरी तरफ। स्वीट्स काफ़ी फेमस होता है बंगाल। मुझे बंगाली का रसगुल्ला, संदेश बहुत पसंद है। पंडित जी, कौन सा मिठाई रहता है? संदेश, रसगुल्ला, रसगुल्ला और क्या? संदेश और चमचम। हाँ, ये सब खाबो। पांतुआ। हाँ, पांतुआ क्या होता? हाँ, देखिए, मैं जैसे आज जैसे अगर हम लोग कोई अगर मुस्लिम है तो उन्हें ऐसा अलग अलग रूप धारण करना ही पड़ता, शूटिंग में करते हैं तो इसलिए आज मैंने बंगाली लुक किया, या इसको हटा दो, बंगाली लुक किया है और बाल उड़ रहे मेरे, तो ऐसा कुछ नहीं। हम एक्टर हैं, हमें अलग अलग रूप लेने पड़ते। अगर आज मैं यहाँ पे बंगाली लुक, पारो का लुक लेकर आई हूँ, बिल्कुल पारो बन के आई हूँ मैं आज, छत्ती MBCA ग्राउंड में, कुमार शानू जी का पंडाल है यहाँ पर, और यहाँ पे सभी एक्टर सब लोग आते हैं माँ दुर्गा की पूजा के लिए। मैं आज बंगाली रूप लेकर, पारो का रूप लेकर यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आई हूँ। काफ़ी सुंदर है मूर्ति, तो कितने समय लगा होगा ये बनाने के लिए? देखिए, दुर्गा माता राक्षस का वध कर रहे हैं। ये राक्षस का नाम क्या है? महिषासुर राक्षस है, असुर। तो माँ दुर्गा उनका वध कर रही है। मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे लोग राक्षस है, तो मैं उनका वध खुदा पे छोड़ देती हूँ। कोर्ट कचहरी में उनका वध होगा जी, जज साहब खुद करेंगे।
मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम इंसान हैं, इतना पवित्र नाम हम अपने आप पे लेते नहीं हैं। हम सिर्फ इंसान हैं, हमें किसी देवी में ना जोड़ा जाए, हम सिर्फ राखी देवी है जी। राखी जी क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे जो आपको पसंद करते हैं और फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्या विशेष? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम हिंदुस्तान में, हम इंडिया में, हम मुंबई में हैं, तो हम अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की, काली पूजा की, नवरात्रि की, आगे दिवाली की। मैं रोज़ अलग अलग रूप लेती हूँ और मुझे स्पेशली ये बहुत ट्रेडिशनल लुक, आप हटिए देखिए, बहुत पसंद है मुझे ये। हाँ, ट्रेडिशनल लुक जो है ये बहुत पसंद है मुझे। हाँ, ये क्या कहते हैं इसको, बैंगल को, ये शाखा पोला जो है, कहते हैं ये हाथी के दांत की है, बेचारे हाथी, शंख और हाथी के दांत की होती है जी। और आपने हार भी